नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सनी कुमार। 2016 के बाद से ही बिहार में शराबबंदी है और शराबबंदी होने के बावजूद बिहार में शराब मिल रही है, लेकिन जहरीली शराब पीने से लोगों की मौतें भी हो रही है। कई तरह के आंकड़े सामने आए हैं, चाहे गोपालगंज की बात हो या फिर कहीं की बात हो, हर जगह जहरीली शराब पीने से लोगों की मौतें होती रही है। ऐसे में आखिरी बार 16 नवंबर को, यानी कि पिछले साल 16 नवंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी कानून को लेकर समीक्षा बैठक की थी, और एक बार फिर से 16 नवंबर के बाद आज पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समीक्षा बैठक कर रहे हैं, जिसमें मद निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव शामिल होंगे, साथ ही साथ सभी अधिकारी इसमें शामिल होंगे। याद रहे कि बड़ी खबर सुबह आ रही थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी कानून को लेकर समीक्षा करने वाले हैं, और ऐसे में सीएम नीतीश कुमार की बैठक अभी चल रही है और बैठक में मद निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव शामिल हैं। इसके अलावा सभी अधिकारी भी यहां पे मौजूद हैं और समीक्षा बैठक जो है शराबबंदी को लेकर हो रही है, और कुछ नए नियम भी लागू हो सकते हैं, तमाम चीज़ों को लेकर जो है चर्चा की जा रही है। ऐसे में जहाँ एक और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दावे करते हैं कि राज्य भर में शराबबंदी कानून का पालन सख्ती से हो रहा है, वहीं दूसरी ओर आए दिन ऐसी कई सारी तस्वीरें सामने आती हैं जो कि शराबबंदी की धज्जियाँ उड़ाने के लिए काफ़ी होती है। अब सूत्रों की माने तो जानकारी सामने आ रही है कि शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से शराबबंदी कानून की समीक्षा की बैठक करने वाले हैं। सुबह जानकारी आ रही थी और इस वक्त जो है बैठक चल रही है, और आज ही बैठक के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तमाम चीज़ों को लेकर जानकारी लेंगे और कुछ नए जो मुद्दा होगा शराबबंदी कानून से जुड़ा हुआ उसको लेकर भी बातचीत करेंगे। हालांकि ऐसे में ध्यान रहे कि जो जिस तरीके से बिहार में शराबबंदी कानून 2016 में लागू हुआ था, करीब 6 साल हो गए, लेकिन शराबबंदी की स्थिति बिहार में क्या है वह किसी से छुपी नहीं है। लगातार जहरीली शराब पीने से लोगों की मौतें होती रही है, और मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में अपर मुख्य सचिव मद निषेध विभाग के शामिल है, साथ साथ सभी अधिकारी जो हैं बैठक में मौजूद हैं। शराबबंदी कानून को पालन करने में क्या कुछ कमियां रह जा रही है या फिर क्या कुछ कमी ऐसी है जिसकी वजह से जो है शराबबंदी कानून सफल नहीं हो पा, तमाम मुद्दों को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर मुख्यमंत्री जो है चर्चा करेंगे इस बैठक में। उसके बाद कुछ देर में पता चल जाएगा बैठक के बाद क्या कुछ निष्कर्ष लिया निकला है। इस पूरी बैठक के बाद तमाम चीज़ों की जानकारी आपको हम देते रहेंगे, लेकिन अब बने रहे हमारे साथ और आप देखते रहे लाइव इंडिया।